अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हमारे चैनल पर एक नए शो की हम शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है खास मुलाकात। और खास मुलाकात के इस प्रोग्राम में हम किसी एक्सपीरियंस वाले बंदे जिसने सऊदी अरब में काफ़ी लंबा वक्त लगा रखा है और बहुत सारी चीज़ों का उनको पता है तो उनसे बात करेंगे। लेकिन इस बार जो हम बात कर रहे हैं वो लाइव कर रहे हैं, हमारे सामने एक शख्सियत है, इनके बारे में हम थोड़ा सा आपको इंट्रो कराएंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं कि अगर लाइव इस तरह से बात नहीं हो पाती है तो हम फिर ऑनलाइन ही बात कर लेंगे। यानी कई तरह के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिन पर ऑनलाइन बात करके वीडियो को रिकॉर्ड किया जा सकता है और आप अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर पाएंगे। तो आप कैसे हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे उसके बारे में भी जानकारी आपको हम दे देंगे। लेकिन आज के जो टॉपिक है वो कुछ इस टाइप के जो फिलहाल ट्रेंड में चल रहे हैं, जैसा कि फ्लाइट को लेकर मुश्किल बनी हुई है। जो बंदे फ्लाइट का ऑपरेशन रुके होने के बाद इंडिया से सऊदी अरब जाना चाहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उमरा किस तरह से आजकल हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भाई साहब अभी हाल ही में यानी 2 दिन पहले ही सऊदी अरब से इंडिया पहुँचे हैं तो अपना एक्सपीरियंस हमसे शेयर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में बता दूँ कि अगर आप हम पे यकीन करते हैं तो कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे भाई हैं। लेकिन फिर भी बता दूँ कि साल 2006 से सऊदी अरब के अंदर रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक यानी 2017 तक कंपनी में काम करते थे। लेकिन उसके बाद फिर फाइनल एग्जिट पर आने के बाद अब दोबारा कुछ अपने टाइप का बिजनेस करते हैं। तो उसके हम डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा मकसद है कुछ एक्सपीरियंस इनका शेयर करना आप लोगों के ताकि काम आ सके। तो भाई अब्दुल अजीज से थोड़ी सी गुजारिश है कि अपने बारे में थोड़ा बहुत जो बता सकते हैं यानी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अपने शेयर नहीं करेंगे, जो कहना चाहे वो कह सकते हैं। उसके बाद फिर सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे और इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। मेरा नाम अब्दुल अजीज है, मैं यूपी इंडिया डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का रहने वाला हूँ। 2006 में सऊदी अरब पहुंचा था और वहाँ पे मैंने कई साल तक कंपनी में काम किया। उसके बाद में मैं फाइनल एग्ज़िट आ गया। फिर उसके बाद मैं कतर में पहुंचा, 4-5 महीने मैंने कतर में गुजारे। उसके बाद फिर मैं वापस इधर आ गया। अभी फ़िलहाल मैं दूसरी वीज़ा लेकर के सऊदी अरब गया हूँ और सऊदी अरब में काम कर रहा हूँ। अब ये भाई साहब हमारे कहने लगे कि थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में, आपने अभी उमरा किया है, आपने सफ़र किया है, इंडिया में आए हैं आप लोग, तो उसके बीच में क्या क्या आपके साथ हुआ, कैसे कैसे आप लोगों ने सफ़र किया, कैसे उम्र को गए, कौन सा तवक्कल नबे डाउनलोड किया, अपॉइंटमेंट लिया गया, क्या क्या हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा बता दें हम आपको। अभी फ़िलहाल जबकि सिचुएशन बदल गई है, अभी सिचुएशन में यह है कि जो शख्स कोरोना का टीका लगवाएगा और 14 दिन के बाद में उसको अपॉइंटमेंट मिलेगा। हम लोगों ने इससे पहले अपॉइंटमेंट बुक किया लेकिन नहीं हो पाया। फिर हम एक रियाद में साहब को है, साहब को पे वहाँ पे मकतब बने हुए हैं, उस मकतब के ज़रिए हम लोगों ने कांटेक्ट किया और उसने हमारी अपॉइंटमेंट बुक कराई। और अपॉइंटमेंट बुक कराने के बाद हमें टिकट दिया बस के द्वारा। हमें जो है पहले मदीना मुनव्वरा भेजा गया। मदीना मुनव्वरा में अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह फजर के वक्त फजर से पहले पहुँचे। फिर हम लोगों ने वहाँ फजर की नमाज़ अदा की। फिर एक सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि पहले जिस तरह से एतबरना एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी तो उस टाइम जो है आम लोग उमरा बुक कर सकते थे, तो उसका तरीका बदल गया है? तरीका बदल गया है उसका, एतबरना पे जो है इतना लोड हो गया शायद के मेरा अपना आइडिया कि उस पर बुकिंग नहीं हो पा रही है अभी। मतलब एजेंट के पास ज़रूर जाना पड़ेगा उमरा? अभी फ़िलहाल एजेंट के पास जाना पड़ेगा और अब तवक्कलना से ही सब कुछ हो रहा है। तो उमरा आपने किस तरीके किया, अपनी सवारी से गए थे या जो? नहीं, मैं बस के द्वारा गया था और बस ने पहले मदीना छोड़ा है। मदीने में हमने फजर की नमाज़ अदा की है, फिर ज़्यारत की, फिर जुमे की नमाज़ अदा की। जुमे की नमाज़ के बाद में वो बस हमें जो है एहराम बांध के मीकात मस्जिद से, मस्जिद ज़ुल्हुलैफ़ा मदीने में पड़ती है, और वहाँ से ये लोग उम्रे का एहराम बांधते हैं फिर मदीने की तरफ सफ़र करते हैं। इसे हिजरत भी कहा था, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की थी तब यहाँ से एहराम बांध के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे। और लोग ज़्यादातर उम्रा जो करते हैं वो इधर से मस्जिद मीकात मदीना मुनव्वरा से ही बांध के करते हैं, तो इसकी अच्छी खासी अहमियत है उसके बारे में। तो हम लोग इधर से गए और उसके बाद हम ईशा के बाद हम लोग मक्का मदीना मक्का मुकर्रमा पहुँचे और फिर वहाँ हमने जो है तवाफ़ किया। तो उसमें जो तरीका मतलब होटल मिला आपको जैसे पहले मिलता था कोरोना से पहले, और कितने पैसे लगे उम्रे के बुकिंग कितने रुपए? उम्रे के बुकिंग उसमें किराया भी शामिल है दोनों तरफ का और होटल का भी मक्का मुकर्रमा में बुकिंग है एक दिन के लिए। उसने हमसे 230 रियाल यानी 230 रियाल सऊदी रियाल हमसे लिया उन्होंने। उसमें किराया भी शामिल है और होटल का एक दिन का खर्च भी शामिल है। और माशाल्लाह होटल भी अच्छा था, बहुत अच्छा था, बेहतरीन। तो और मस्जिद नबी में भी आपको एप्लीकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं, मस्जिद नबी में एप्लीकेशन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वहाँ पे सिर्फ उन्होंने तवक्कलना ही देखा है सिर्फ सलाम करने के लिए। अच्छा।
यानी हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे जाने के लिए वो तवक्कलना देख रहे थे। अच्छा जी, और उसके अलावा पे मदीने में कोई ज़रूरत नहीं पड़ी कहीं पर भी, मदीने में सब कुछ नॉर्मल था। जिस पे जिसके पास तवक्कलना नहीं था वो मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे थे, वो बाहर सहन में और इधर नमाज़ पढ़ता था। उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हो गया सब काम जो है। और मक्का मुकर्रमा में पहुंचने के बाद उन्होंने हमारे मोबाइल में चेक किया कि हमारा पेमेंट है या नहीं है, और जिन लोगों का पेमेंट था अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे वो 2 घंटे पहले का था या 2 घंटे बाद का था, उन लोगों को उन्होंने एंट्री जाने दिया। अच्छा जी, तो मतलब चेकिंग जो है सख्ती चेकिंग में वो मक्का मुकर्रमा के अंदर देखा, मक्का मुकर्रमा में उन्होंने जो रास्ते बना रखे हैं उन रास्तों पर सिक्योरिटी लगी हुई है, और वहाँ पर जिन लोगों के पास अपॉइंटमेंट होगा वही लोग वहाँ से आगे जाएंगे। मतलब बॉर्डर पे भी सिक्योरिटी लगी हुई है, और कोई बंदा अंदर पहुँच भी जाता है तो वहाँ भी सख्ती है, वहाँ भी पकड़ा जाए। बॉर्डर पे नहीं है, मक्का में तो दाखिल होने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन मक्का में दाखिल होने के बाद जब आप हरम में दाखिल होंगे, अच्छा, तो हरम में उन्होंने रास्ते बना रखे हैं टेढ़े मेढ़े करके, छोटे शॉर्ट करके, ताकि पब्लिक को वो दिक्कत ना हो, और उस वहाँ से एक बंदे को ही वो लोग दाखिल करते हैं। अच्छा। और उस बंदे का पहले परमिट देखेंगे, पहले वहाँ पे परमिट देखेंगे, फिर आगे जाएंगे तो दूसरा आदमी जो सऊदी है, सिक्योरिटी के अलावा आम जनता जो लोग हैं, जो इंतज़ामिया लोग हैं बिना फोर्स वाले, तो बिना सिक्योरिटी वाले, जो उनको भी सिक्योरिटी मानी है, लेकिन वो लोग चेक करेंगे आपके मोबाइल में। अच्छा। और चेक करेंगे, जिसके पास नहीं होगा उसको वो रिटर्न कर देंगे, जिसके पास अपॉइंटमेंट होगा उसको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। अच्छा। फिर अंदर जाने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जितना सुकून से इस बार उमरा हुआ है, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई बार उमरे किए, बहुत सारे उमरे किए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, लेकिन इतना सुकून के साथ कोई उमरा नहीं हुआ। इसमें एक चीज़ ये भी देखने को आ रही थी कि टाइमिंग होती है, 3 घंटे का टाइम देते हैं अंदर जाने के लिए हरम शरीफ में। जी जी। और फिर आपको वो जो फिक्स टाइम है उसके मुताबिक ही बाहर निकलना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है, उस फिक्स टाइम के अकॉर्डिंग जो है आप अंदर जाएंगे। वो 3 घंटे का टाइम इसलिए दिया जाता है, सपोज़ कीजिए आपका 12 बजे रात का टाइम है और आप 12 बजे तक नहीं पहुँचते, मिसाल के तौर पे आप लेट हो गए, 1 घंटा आपकी बस लेट हो गई, कोई और दिक्कत है, टायर पंचर हो गया बस का, या कोई सवारी का, या कोई और प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए वो 3 घंटे का है। उस विद इन 3 आवर में आप जो है एंट्री करनी है आपको। लेकिन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर ये देखा कि जिसको 3 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, या उसको 6 घंटे बाद की भी अपॉइंटमेंट थी, मैं रात के तकरीबन 12, 12:15 बजे मेरी अपॉइंटमेंट थी 12 से 3 तक, तो 12:15 करीब मैं रात में पहुंचा, तो जो जिनकी अपॉइंटमेंट अगले दिन में थी उन लोगों को भी उन्होंने एंट्री दी। अच्छा जी। तो पहले होता ये था कि जैसे कि तवाफ़ कर लिया और वहाँ पर नमाज़ पढ़ने का एक्स्ट्रा आदमी हिसाब बनाता था, हालांकि पुलिस वाले बंदे परेशान करते थे इस तरीके से, तो अभी इजाज़त है इस तरह से? इजाज़त तो वो नहीं है, लेकिन यह है कि मकाम इब्राहिम की तरफ थोड़ी सी जगह बची हुई है पीछे को, उधर आदमी पढ़ बैठ के 2 रकात खड़ा होकर नमाज़ पढ़ अदा कर सकता है, बस वो थोड़ी सी जगह है उसी में, और चूँकि भीड़ तो है नहीं, मुश्किल से बहुत थोड़े लोग होते हैं, और इंतज़ामिया लोग जो हैं वो वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले तवाफ़ किया अपना, तवाफ़ करने के बाद उम्रे का तवाफ़ बाद में किया। तो अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि तवाफ़ करने के बाद मतलब बाहर जाने का रास्ता सफ़ा मरवा पर जाता है, और फिर सफ़ा मरवा से ही सीधे बाहर आ जाएगा? हाँ, फिर अंदर नहीं जाने देंगे आपको, नहीं नहीं, वहाँ से आप लोग एंट्री नहीं कर सकते दोबारा। पहले किसी के नाम का इजाफी तवाफ भी कर लेते थे, वो सब सिस्टम बंद है? इजाफी तवाफ अगर आपको करना है तो आप उससे पहले करिए, उम्रे तो बैक करना होगा, उम्रे के तवाफ से पहले वो तवाफ करिए आप। हाँ। उम्रे का तवाफ करने के बाद आपको सही करनी पड़ेगी, और जब आप सही कर लेंगे तो फिर बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा। और बाहर निकलने के बाद आप दोबारा एंट्री नहीं कर सकते। ये बात, इस बीच में उन लोगों को थोड़ी देर किसी को पेशाब की पखाने की या किसी की वजू करने के लिए कोई हाजत होती है तो आप उनसे बोल के जा सकते हैं, आपके तो मोबाइल में तवक्कलना है, उसमें टाइमिंग है, जब आप हाँ सब कुछ टाइम के मुताबिक है, उसमें आपका टाइम लिखा हुआ है, उस टाइम के अंदर आप जाके वजू करके दोबारा आ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। एक बार जाइए, 2 बार जाइए, आ सकते हैं। और होटल के अंदर किस तरीके का माहौल है, जिस तरह से कि सोशल डिस्टेंसिंग? हाँ, होटल के अंदर जहाँ पर मैं रुका हुआ था उस होटल में 4 बेड थे उस कमरे में, तो 2 बेड पर आदमी थे और 2 बेड उनके खाली थे। एक कमरे में सिर्फ 2 बंदे? 2 बंदे या 3 बंदे, इससे ज़्यादा नहीं थे। अगर 4-5 बेड हैं तो 3 बंदे हैं, और 2-4 बेड हैं तो 2 बंदे हैं, इस तरह से वो। यानी जो लोग अभी रमज़ान में हमारी वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैसेज ये है कि सिर्फ बुकिंग करने का तरीका बदला है, क्योंकि उसके लिए नई शर्त लगा दी गई है वैक्सीन की,
वैक्सीन की एक डोज लेने के बाद 14 दिन अगर गुजर गए हैं तो बुकिंग हो सकती है, या दो डोज ले रखी है तो फिर तो बहुत ही अच्छा है। दो डोज अगर ले रखी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तो आराम से हो जाती है। लेकिन जिसने एक डोज ली हुई है वो उसने 14 दिन पहले डोज ली हुई हो, उसमें एक ये भी शर्त लगाई कि जो बंदा कोरोना से ठीक हो गया हो वो भी बुकिंग कर सकता है। हाँ, कोरोना ठीक हुआ बंदा बुकिंग कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम। अंदर का तरीका वो सब वही है, सिर्फ बुकिंग का तरीका बदला गया बस रमजान के दौरान। जी 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 जी। अच्छा, तो ये तो उम्र की बात हो जाती है। अब यहाँ पे मैंने कुछ सवाल लिखे हुए हैं तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप करूँगा और आप उनका जवाब दे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है लेकिन जो रियल एक्सपीरियंस है वो खुद से होने के बाद आता है। तो अपनी जर्नी के बारे में बताइए, जिसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, जैसे कि टिकट बुकिंग कितना इजीली हुआ है, कैसे क्या हुआ, क्योंकि प्राइस के ऊपर भी अलग आप बता रहे थे जब फ़ोन पर बात हुई थी आपसे कि डिफरेंट टाइप के जो ऑफिसेज हैं तो उसमें डिफरेंस काफ़ी आ रहा था रियाज में। इसके बाद डायरेक्ट और वाया वाली जो फ्लाइट्स है वो भी थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। इसी के साथ PCR का क्या मसला है, क्योंकि आपने PCR भी बनवाया रियाज के अंदर लेकिन फिर भी दिल्ली एयरपोर्ट पे वो काम नहीं आया। और बहुत सारे भाई ये भी पूछ रहे थे कमेंट बॉक्स में कि एयरपोर्ट जाने के लिए जो तवक्कल ऐप से वो देखते हैं कि नेगेटिव है बंदे या नहीं, उसकी ज़रूरत तो नहीं, तो उसके बारे में आई थिंक पहले भी आपसे बात हुई थी, वो ज़रूरी नहीं है। तो थोड़ा सा अपना पूरा एक्सपीरियंस टिकट बुकिंग से लेकर और दिल्ली तक आप किस तरह से आए, क्या परेशानियां हुई, वो सब थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे ताकि हमारे जो आने वाले व्यूअर्स हैं उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। नहीं, मैं बताऊं आपको कि बुकिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। एक दो जगह पे जो मकतब बने हुए हैं, जो लोग यह टिकट वगैरह बेचते हैं, रियाद के अंदर भी हैं, बथा में भी हैं और बहुत सी जगह पर बने हुए हैं, उनके पास जाइएगा तो वो बुकिंग कर देते हैं इजीली। मैं भी 2-3 मकतब पर घूमा हूँ इसलिए, क्योंकि प्राइस में थोड़ा डिफरेंस चल रहा था, जो डायरेक्ट 100 रियाल तक का डिफरेंस नहीं, ज़्यादा आ रहा था, 100 से भी ज़्यादा आ रहा था, इसलिए क्योंकि अलग अलग मकतब वाले जो है हो सकता है अपने प्रॉफिट से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो उनमें। यानी आप हमारे सब्सक्राइबर को ये सजेस्ट करेंगे कि किसी भी एक जगह से टिकट ना बुक कराए, पहले ट्राई कर लें। हाँ, पहले दो जगह, 3 जगह, 4 जगह जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है आप ट्राई करिएगा और जहाँ पर आपको मुनासिब लगे, अच्छा प्रॉफिट हो, आपको बेनिफिट हो। अगर आपके 100 रियाल भी उधर बचते हैं तो मैं समझता हूँ 100 रियाल काफ़ी हैं, कम नहीं है, 100 रियाल बहुत होते हैं। काफ़ी इसलिए क्योंकि आपके घर आने का वक्त, घर आने का वक्त है। सही सही, कुछ खरीदो। ठीक, ये इसीलिए है क्योंकि 100 रुपये में अगर आप कोई चीज़ भी खरीदेंगे तो आपके काम आएंगे घर पर, आपके 100 रियाल बच गए तो आपके लिए बहुत है ऐसे ऐसे माहौल में और ऐसे वक्त में, क्योंकि कोरोना का टाइम चल रहा है, रोज़गार भी सब जगह कम है। तो इसलिए मैं भी गया तो 3-4 जगह मैंने ट्राई किया, उसके बाद में मैं देखा तो एक जगह से मैंने बुकिंग करा दी। डायरेक्ट फ्लाइट जो थी वो कम पैसों में थी लेकिन उसमें मिल नहीं रही थी और वज़न भी कम था, इसलिए जो है कितना वज़न डायरेक्ट फ्लाइट में, डायरेक्ट फ्लाइट में वो 30 किलो लेते हैं लगेज में लेते हैं और 7 किलो मैक्सिमम हैंड कैरी में आता है, इससे 37 से ज़्यादा नहीं आता है। और उस पर कई बार सुनने में आता है कि अगर 1 किलो भी ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी पैसे वसूल करते हैं, पैसे भी वसूल करते हैं और पैसे वसूल लगेज में करते हैं, और हैंड कैरी में अगर 1 किलो भी फालतू होगा तो उसको आपको चाहे आपका कीमती सामान है या कुछ है, खजूर है, पानी है, पानी तो हैंड कैरी में अलाउ नहीं है लेकिन खजूर है या कोई चॉकलेट वगैरह है या कोई और चीज़ है आपके जो ज़रूरी है, आपको मजबूरन उसको निकालना ही पड़ेगा वहाँ। अच्छा। अगर आपका कोई बंदा उधर वापसी के लिए नहीं है तो समझ लीजिएगा आपका सामान ख़रीदा हुआ वो वेस्ट हो गया। अच्छा। वो आपको श्योर ही छोड़ना पड़ेगा। अलबत्ता अगर लगेज में कोई सामान आपका है तो उस सामान के लिए वो चार्ज वसूल करते हैं, और जो अच्छा खासा होता है मैंने तकरीबन 50 रियाल 60 रियाल पर केजी के हिसाब से वो लोग वसूल करते हैं वहाँ। तो ये तो डायरेक्ट फ्लाइट की बात हुई जो अभी आपने बताया, डायरेक्ट में तो सीधे बस रियाज से बैठो दिल्ली आके उधर जाएंगे, जहाँ कभी लखनऊ जी दिल्ली जी 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 तो आप वाया होकर आए दुबई। जी, मैं वाया दुबई होकर आया। वाया दुबई का थोड़ा एक्सपीरियंस बताओ। वाया दुबई के लिए यह है कि वहाँ से हम लोगों ने टिकट बुकिंग की है और उसमें 40 किलो वेट था, 40 किलो वेट लगेज में था और 7 किलो हैंड कैरी में था, यानी आपको 10 किलो एक्स्ट्रा मिल गया। 10 किलो एक्स्ट्रा मिल गया जी। और प्राइस था मेरा वहाँ पे 1340 रियाल, और इसके अलावा भी वहाँ पर 200 रियाल वो लोग कोरोना टेस्ट का लेते हैं, 200 रियाल लिए उन्होंने। वो कहाँ पे टेस्ट कराया आपने? वो मैंने सिख सफा मक्का हॉस्पिटल है बथा में। अच्छा। वहाँ पे टेस्ट कराया, 1 दिन पहले टेस्ट कराया और अगले दिन जाके उसका रिपोर्ट लिया, वो नेगेटिव था। नहीं, टेस्ट का मकसद आपका यह था कि मुझे दिल्ली एयरपोर्ट पर रुक लेना पड़े, मैं जल्दी निकल जाऊँ? नहीं, टेस्ट का मकसद ये नहीं था, टेस्ट जो है उन्होंने वहाँ पे भी देखा है, सऊदी में देखा है, दिल्ली में नहीं देखा, रियाद एयरपोर्ट पे उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देखा है उन्होंने वहाँ और वो भी मांगा है। तो जिन लोगों के पास टेस्ट नहीं है वो क्या करेंगे? उनको कराना पड़ेगा वहाँ पे, टेस्ट लेकर के आएंगे।
बिना टेस्ट वाली की एंट्री नहीं है? नहीं है, एंट्री नहीं है उन्होंने जो है, क्योंकि मेरा अपना देखा है उन्होंने, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे उन्होंने और देख करके तब उन्होंने मेरा पासपोर्ट एक्सेप्ट किया है। यानी अभी जो है ना दिल्ली वाले तो सऊदी का टेस्ट नहीं मान रहे, जी वो भी अपना कराएंगे, वो अपना कराएंगे। और अगर आपको एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होना है तो अभी आपको कराना तो सऊदी के अंदर से कहीं से भी टेस्ट करा के लाए। हाँ, किसी भी लैब से जहाँ जो अप्रूव है उससे आप टेस्ट करा। लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से सेंटर बने हुए हैं और वो मोबाइल में हमारी रिपोर्ट है, वो नहीं चलेगी? पेमेंट नहीं चाहिए? उसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है, क्योंकि मैंने वो टेस्ट नहीं कराया। मैंने डायरेक्ट हॉस्पिटल गया और 200 रियाल खर्च करके RT-PCR टेस्ट कराया। अच्छा, उसके बाद दाखिला हुआ आपका? उसके बाद मेरा दाखिला हुआ और 10 बजे मेरी वहाँ से फ़्लाइट थी, फिर मैं दुबई आया। दुबई आने के बाद भी उन्होंने जो है मेरे सारे डॉक्यूमेंट देखे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देखा, वहाँ का जो है उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट देखी और उन्होंने हमें मास्क और किट वगैरह पहनने के लिए दुबई एयरपोर्ट पे दिया। और जब हम रियाज से बैठे दुबई के लिए तो उन्होंने भी हमें एक किट दी, उसमें फेस मास्क, सैनिटाइज़र और ग्लव्स वगैरह थे जो हमने इस्तेमाल किए। यात्रा के दौरान हमने उनका इस्तेमाल किया और जब हम निकले वहाँ से तो मास्क को छोड़ के बाकी हमने ग्लव्स वगैरह रिमूव करके उधर ही छोड़ दिए। ये उनके इंस्ट्रक्शन थे कि इस तरह से आप लोग करेंगे। तो दिल्ली आने के बाद आपने एयरपोर्ट पे वो टेस्ट रिपोर्ट दिखाई जो रियाज से ली थी आपने? जी, दिल्ली एयरपोर्ट पे जब हम उतरे तो वो हमने रिपोर्ट दिखाई, लेकिन उन्होंने कहा कि आप इस फॉर्म को फिल करिए और इस फॉर्म को फिल करने के बाद आप जो है ये मोनो मस्कुलर कौन सा टेस्ट होता है वो उन्होंने करने के लिए बोला, मोनिकुलर टेस्ट उन्होंने उस करने के लिए बोला। उसका चार्ज उन्होंने हमसे 800 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ वो वसूल किया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि टाइम जिस तरह से पहले 5 घंटे का टाइम लगा रहे थे और 5,000 रुपये लिए जा रहे थे, मैं तकरीबन 2 दिसंबर को आया था मैं रियाज से दिल्ली जी, तो उन दिनों 5,000 रुपये और 5 घंटे लगते थे। वो सिस्टम बंद हो गया। फिर मैंने उनसे मालूम भी की इस बारे में कि जी आप ये टेस्ट करा रहे हो इसके लिए हमें रुकना पड़ेगा, वो बोले नहीं आप टेस्ट कराइए और निकल जाइए। अच्छा, फिर मैंने उनसे मालूम भी की कि भाई मैं घर जा रहा हूँ तो मुझे वहाँ थाने में रिपोर्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। तो कि अब इसकी ज़रूरत, आपको ये बोला गया कि अभी आपको 14 दिन के लिए 15 दिन के लिए घर के अंदर ही रहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। उन्होंने बोला कि अपना एहतियात से मास्क लगा के अपने रहो और कहीं रिपोर्ट करने की, थाने में जाने की या रिपोर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ रिकॉर्डिंग के दौरान अभी मास्क हटा हुआ है, वरना तो तकरीबन थोड़ा ही बाहर निकल रहे हैं तो मास्क की एहतियात जो है? नहीं, मैं बाहर निकल ही नहीं रहा हूँ, मैं परसों को आया हूँ, परसों से घर में ही हूँ और मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल रहा हूँ। और हो सकता है कि और एक हफ्ते तक मैं घर पर ही रहूँ और उसके बाद जब मैं मुतमईन हो जाऊँ कि हाँ बिल्कुल ठीक है तब मैं उसके बाद बाहर निकलूँगा। तो हालांकि मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, कुछ नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, यहाँ का टेस्ट भी वहाँ का टेस्ट भी सब कुछ सही है, लेकिन उसके बाद भी एहतियात बरतने के साथ साथ मैं हो सकता है कि 10 दिन के बाद ही बाहर निकलूँ। तो जैसे कि आप एग्जिट एंट्री वीज़ा पर है, मतलब छुट्टी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, छुट्टी पर आए हैं आप जी, कितने महीने की छुट्टी है? मेरी 150 दिन की छुट्टी है। अच्छा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे फ़्लाइट खुल जाए, और फ़्लाइट नहीं खुले तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम बचा के अपना जो टाइम ख़त्म होने वाला है 5 महीने हैं तो मैं यहाँ पे 3 महीने गुजारूँ और 2 महीने का रास्ते के लिए रख लूँ, कि हो सकता है जैसे दुबई के हालात हुए कि दुबई में गए और बंदे फंस गए, उनके पास टाइम नहीं था आगे, तो मैं समझता हूँ कि वो सिचुएशन जो है मेरे साथ ना आए। मैं 2 महीने का इंशाल्लाह 2 महीने का 2.5 महीने का टाइम लेके इधर से चलूँगा और जिस जगह से भी होकर जाया जाएगा कोशिश करूँगा कि उधर पहुँच। तो जैसे कि आप दो लोग साथ में काम करते हैं रियाज के अंदर, तो आपके पार्टनर जो है वाया ओमान और आपकी रियाज एयरपोर्ट पर ही मुलाकात हुई है जी, तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कैसे क्या हुआ है कोई? वो मेरा जो पार्टनर है, मेरे साथ ही काम करता था वो, तो वो वहाँ से दिल्ली से मेरे ख्याल में नवंबर के महीने में वो छुट्टी पर आए। हाँ, वो 9 नवंबर को छुट्टी पर आए थे जी, और वो अभी 180 दिन की उसकी छुट्टी थी, लेकिन उसने भी पहले ही यहाँ से जाने का प्लान बनाया और वो वाया ओमान मस्कत क्वारंटाइन 14 दिन रह करके उनकी फ़्लाइट 10 तारीख में 4:40 पर रियाद एयरपोर्ट पर उतरी। अच्छा जी, और मेरी फ़्लाइट 10 बजे थी, तो मैं आपकी मुलाकात हो गई वहाँ पर? मेरी मुलाकात एयरपोर्ट पर हुई, एयरपोर्ट पर हमने अपने सिम वगैरह, अपने मोबाइल वगैरह जो भी हमें डॉक्यूमेंट्स देने थे उनको वो दिए और अपना मैं इधर एयरपोर्ट के अंदर हो गया वो एयरपोर्ट से। यानी अभी इंडिया से वाया ओमान जा सकते हैं? कोई नहीं, वाया ओमान नहीं जा सकते हैं अभी, क्योंकि ओमान बंद कर दिया है, ओमान ने जो है एंट्री बंद कर दी है अपनी।
इंडिया से, इंडिया से 8 तारीख में, 8 तारीख से पहले तक ओमान लोग जा रहे थे, 8 अप्रैल से। यहाँ पे क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं इसलिए ओमान ने एंट्री बंद कर दी है, एग्जिट बंद नहीं किया। जो आदमी ओमान में फंसे हुए हैं, जो आदमी हैं वो अगर सऊदी ने बैन नहीं लगाया तो वो लोग चले जाएंगे। तो इनका वाया ओमान जाने में कितना खर्च आ गया? इनका वाया ओमान जाने में तकरीबन 1,05,000 इंडियन रुपीस खर्चा आया। अच्छा, जब दुबई से फ्लाइट्स बंद नहीं थी तो उस टाइम 80,000 के तकरीबन खर्चा, उस वक्त 80,000, 70,000, 75,000 में जो एजेंट अपने प्रॉफिट के हिसाब से थोड़ा बहुत नीचे ऊपर करके जो है कम में या ज़्यादा में कर लेते थे वो उस हिसाब से इनके प्राइस थे। तो मिनिमम 60,000 में भी लोगों ने दुबई से भेजा है जी। यानी मानकर चले कि अगर फ्लाइट का सिलसिला ऐसे चलता रहा और आपके जाने का वक्त आ गया तो फिर कोई वैसा ही बाईपास वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। जी 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 जी। और अगर डायरेक्ट वाला खुल जाता है तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ 17 मई जैसे डेट दे रखी है और हो सकता है इससे पहले कोरोना के केस कम हो जाए। लेकिन कोरोना के केस तो 1,000 के करीब जाने को तैयार है, तो ऐसे में मुश्किल है क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट, नहीं ऐसा नहीं है, सऊदी गवर्नमेंट ने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लेगी। सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी तमाम जो है वैक्सीन के सेंटर है, मैंने भी 5 तारीख में वैक्सीन लगवाया है उधर। अच्छा, 5 अप्रैल। चलो वैक्सीन का जिक्र आ गया तो थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में बताओ जी। आपने खुद से बुकिंग की थी? जी मैंने खुद से बुकिंग की थी और मैं तकरीबन उमरा करके जिस दिन आया हूँ, 1 तारीख में उमरा किया है, 2 तारीख में मैंने, और उसके आने के बाद ही से मैं लग गया था कि मुझे कोई अपॉइंटमेंट मिल जाए, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही थी। और अचानक 5 तारीख में एक किसी हॉस्पिटल में किसी सेंटर पे मुझे अपॉइंटमेंट मिली, मैंने तुरंत उसको बुक किया और फर्स्ट प्रायोरिटी में जा करके वो वैक्सीन लगवाई जी। लेकिन भीड़ बहुत थी और मेरा नंबर 5,400 में आया। अच्छा, यानी उस दिन में मुझसे पहले 5,399 लोग लगवा चुके थे और मेरा वक्त था 5:30 बजे शाम का। तो वैक्सीन लगने के बाद सेहती एप्लीकेशन में आपकी जो ये अपडेट हो गया स्टेटस? नहीं, अपडेट नहीं हुआ था जब तक, लेकिन वो सुना मैंने कि 4-5 दिन के बाद वो उसमें अपडेट हो रहा है। दूसरी डोज के लिए डेट कब? दूसरी डेट के लिए जब आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे उसी वक्त आपको दूसरी डेट मिल जाएगी। अच्छा, लेकिन हाल ही में मैं आपको बता दूं कि अभी 1-2 दिन की बात है, दूसरी डोज के सभी डेट्स कैंसिल हो गई है। अब गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जितने भी लोग हैं पहले सबको एक एक डोज मिल जाए, क्योंकि जितनी रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब की, वो जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं वो उसको पूरा नहीं कर पा रही है, क्योंकि और भी कई देश दुनिया के वैक्सीन चाह रहे हैं सब, तो इसी के चलते कंपनियों पर थोड़ा दबाव बढ़ गया है। तो अभी सऊदी गवर्नमेंट डिसाइड ये किया है कि एक वैक्सीन लगने के बाद बंदे की बॉडी के अंदर मतलब इस तरीके से ताकत आ जाती है कि कोरोना के बंदे से अगर टच होता है तो उस पर असर नहीं करेगा, इस तरह की खबरें आ रही है। नहीं, उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं 5 तारीख मैंने डोज लगवाया और 6 तारीख को, 5 को मेरे कुछ कोई महसूस नहीं हुआ, 6 तारीख में दोपहर के बाद मुझे थोड़ा सा वीकनेस महसूस हुई कि शायद मेरा बीपी लो हो रहा है या मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, इस तरह का थोड़ा सा हुआ। बुखार तो नहीं महसूस हुआ, थोड़ा सा हल्का सा थकान महसूस हुई, तो मैंने एक पेनाडोल जिसे पैरासीटामोल बोलते हैं, वही जो डॉक्टर थे उन्होंने सजेशन दिया था कि आप इसमें कोई एंटीबायोटिक या कोई और किसी तरह की दवाई ना लें, ये दवाई सिर्फ आप जो है पैरासीटामोल टेबलेट ले लें। तो मैंने वो पैरासीटामोल टेबलेट एक ली और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से फिर मुझे कोई सिम्टम्स या कोई चीज़ या कोई थकान या कोई है 5 दिन में वहाँ पर रहा वैक्सीन लगवाने के बाद, नहीं मुझे कोई कुछ नहीं हुआ। यानी कोई भी आम आदमी सेहत एप्लीकेशन डाउनलोड करके वैक्सीन की बुकिंग कर सकता है। और मेरी दूसरी अपॉइंटमेंट जो थी वो है 26 जून है। अच्छा, तो मैंने पॉसिबली समझा कि 26 जून में जब मेरी अपॉइंटमेंट है तो इतनी तब तक तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे हो सकता है कि आप सऊदी वापस आ जाएं जी जी और लगवा ले वैक्सीन। हाँ, लेकिन बहुत से लोग ये सोच के भी परेशान थे कि जैसे एक डोज ले ली वैक्सीन की, अब हम दूसरी डोज जो डेट है वो छुट्टी आना चाहते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं होगी? तो बहुत से लोगों को कमेंट से जवाब दिया गया है कोई मुश्किल नहीं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आदमी को ये देखना चाहिए, हम लोगों को भी ये देखना चाहिए कि हमें एक डोज मिल जाए और हमारी जो कोरोना से रोकथाम हो जाए, किसी तरह से हमें कोरोना अटैक ना करे। क्योंकि जिसको एक डोज लग गई है उसके लिए भी ये नहीं है कि वो एक डोज बेकार जाएगी, बेकार जाने का हिसाब नहीं है। अगर बेकार जाने का होता हिसाब होता तो डॉक्टर लोग दोनों डोज एक साथ ही लगाते, लेकिन वो उसका वो कारामद है, वो आपको ताकत दे रही है, आपको आपकी इम्यूनिटी जो सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग कर रही है, आप उससे जो वायरस है उससे लड़ने की क्षमता रख रहे हैं उससे आप। तो मैंने इसीलिए सोचते हुए कि दूसरी डोज का जो भी कुछ होगा वो बाद में होगा, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है कि एक डोज ज़रूर लगवा ली जाए।
तो अभी हम हरम शरीफ की बात कर रहे थे, तो जी हरम शरीफ के लिए अनाउंसमेंट हुआ है कि 20 रकात तरावी की नमाज अमूमन होती है, जी लेकिन मस्जिद नबवी और हरम शरीफ दोनों जगह फिलहाल 10 रकात नमाज जो है तरावी की कर दी गई है। और अगर बाकी सऊदी अरब की बात करें तो तरावी और ईशा की नमाज यानी ईशा की जमात शुरू होने से तरावी ख़त्म होने तक सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया गया है। इसी बीच जो है नमाज ईशा भी होनी चाहिए और तरावी वगैरह सब चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए। तो जो 10 रकात की गई 20 की जगह पर और जो नमाज का टाइम घटाया गया है, उससे अपनी समझ से आप क्या राय रखते हैं, थोड़ा सा नहीं जानकारी रहे क्या? दीजिए। वे तो सलामती के लिए उन्होंने किया है, अगर आदमी सलामत है, ज़िंदा है, तो उसके लिए इबादत किया, भी करेगा। इबादत भी करेगा, और अगर ज़िंदा नहीं रहेगा तो क्या, कहाँ इबादत करेगा? तो ये जो कुछ सऊदी गवर्नमेंट कर रही है, और सऊदी गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, इतनी फैसिलिटी दे रही है बंदों को, सब फ्री वैक्सीन हर जगह लगवा रही है, और चीज़ें भी फ्री दे रही है और फ्री वैक्सीन अपने बंदों के लिए तो है ही, लेकिन अपनों के लिए नहीं, उनमें हमारा कोई भेदभाव नहीं है, और जो वो खाकी लोग बंदे वहाँ सभी के लिए सबके है। लिए सेम है, और सबके लिए कोरोना वहाँ का सेम इलाज तो है, चल ही रहा है बहुत लंबे टाइम वो तो चल से, ही रहा है। उसके अलावा भी वैक्सीन सबके लिए सेम है, और सबके लिए अपॉइंटमेंट सेम है। बल्कि जो इलीगल बंदे हैं यानी एक तरीके से सऊदी का कानून तोड़ते हैं और जी गुनहगार हो जाते हैं गवर्नमेंट की नज़र में, लेकिन जब ये स्थिति बनी कोरोना की तो अनाउंसमेंट किया गया कि इलीगल हो या कोई हो, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी, अपना इलाज कराएगा किसी भी हाँ सही बीमारी बात का। है, ये ये एक बहुत सऊदी बड़ी बात बहुत है। बड़ी बात है, सऊदी गवर्नमेंट की तारीफ़ करनी चाहिए इस मामले में। सऊदी गवर्नमेंट इतना अच्छा काम कर रही है, और ये देखिए कि आप सऊदी में आज भी जो है कोरोना के केस ज़्यादा कह सकते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है, और मैं समझता हूँ कि सऊदी गवर्नमेंट उस पर कंट्रोल कर लेगी, क्योंकि अभी तक तकरीबन जिस दिन मैं आया था उस दिन तक जो है 60 लाख यानी 6 मिलियन डोज लग चुकी थी। अच्छा, जो लोग सऊदी अरब के अंदर से देख रहे हैं उनको तो माहौल अपना पता ही आसपास कैसा है, लेकिन बहुत सारे लोग इंडिया में जो फंसे हुए हैं जाने के इंतज़ार में हैं, कोई मौका मिल जाए वो भी हमारी वीडियोस देखते हैं, तो थोड़ा सा अंदर का माहौल बताएं क्या चल रहा है, कितनी ज़्यादा सख्ती है। सऊदी के अंदर तो चेक इन होती रहती है आमतौर पे, जो इलीगल हैं लोग हैं वो उनको पकड़ कर डिपोर्ट कर देते हैं वो लोग, बाकी तो नहीं कुछ वैसे नहीं। नहीं, कोरोना को लेकर किस तरह कोरोना को की लेकर सख्ती के है? बहुत सख्ती है, कोरोना को लेकर के जो है अगर आपका मार्क्स जो है थोड़ा सा नोज़ के नीचे भी आ गया है तो आपको 1,000 रियाल का फ़ाइन है। जी मेरे ऊपर ख़ुद 1,000 रियाल का फ़ाइन एक बार लगा, एक बंदों को मैं एयरपोर्ट छोड़ने आया था। अच्छा, फाइन से एक चीज़ याद आ गई, आपके जी ऊपर अभी भी फाइन है, जी ठीक है, फ़ाइन मेरे ऊपर तो है। ट्रेवल करने में कोई नहीं परेशानी नहीं नहीं कुछ नहीं, हुई? कोई उन्होंने उसकी डिमांड नहीं की कि आप इसको जमा करें या कुछ करें, नहीं और इससे पहले आपका ही काम भी रिन्यू हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं हुई? कोई कोई प्रॉब्लम नहीं थी वो तो एक यहाँ आम। पे, तो यहाँ पे अपने व्यूवर्स को ये बता दो कि अगर आपको ऊपर गिरावा है कर्फ्यू का या फिर नोजमास का, नहीं तो मेरे ऊपर उससे पहले एक 10,000 रियाल का कर्फ्यू का गिरामा भी था, जी उससे भी कोई अब परेशानी उससे भी नहीं कोई हुई, परेशानी तो नहीं। टोटल आपके ऊपर 11,000 रियाल है इसके जी मेरे ऊपर कोरोना के 11,000 रियाल दौरान। थे, 1,000 रियाल मेरा मार्क्स का गिरामा है जो फाइन है, और उससे पहले 10,000 का एक कर्फ्यू में फंस गया था मैं, तो यानी उसकी अगर वजह से किसी के हो ऊपर गया। गिरावा है तो जल्दबाजी ना करें, अभी हाँ वो घबराने की जल्दबाजी जरूरत ना नहीं करे, है। उसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी, ये इंशाल्लाह हो सकता है कि ये कोरोना ख़त्म हो जाए सऊदी से तो सऊदी गवर्नमेंट उसको माफ़ कर दे, माफ़ी करें क्योंकि कोई सख्ती नहीं दिखाई दे इन उसके चीज़ों को लिए कोई सख्ती लेकर, नहीं है। 1 साल से ज़्यादा हो गया बहुत से बंदों को गिरावा लगे जी हुए, तो किसी तरह की कोई सख्ती नहीं है। तो तकरीबन जो लिस्ट में लिखे गए थे सभी सवाल कवर हो गए, फिर भी एक दो बातें और रह गई, जैसे कि अभी ये बताइए आप, जो लोग अभी जाने के इंतज़ार में हैं और वाया ओमान या वाया वाले तरीके से वो नहीं जा सकते, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन है, वो खुद समझते हैं, तो उसके लिए इंतज़ार कब तक करें या क्या करें, नहीं, अब थोड़ा सा जैसा कि सऊदी गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है कि 17 मई तक 17 मई, वो फ्लाइट खोल देंगे, तो जी आई होप के वो 17 मई को फ्लाइट खुल जाएं और वो लोग चले जाएं। नहीं तो मेरा सजेशन तो ये है कि जितने दिन आप यहाँ पे रुकेंगे उतना आपका नुकसान होगा, आप उधर जाएंगे तो अपना कारोबार देखेंगे, अपनी सैलरी देखेंगे, आप कितने दिनों से यहाँ पर रुके हुए हैं, तो ये आपका इसमें नुकसान है। तो इसमें एक चीज़ है, जिस तरह से दुबई में बंदे फंस गए तो ये तो एक बहुत गलत बात हुई, लेकिन ओमान का जो कदम है वो बहुत अच्छा है कि एंट्री ही बंद कर दी, तो एंट्री बंद होने से बंदों का नुकसान होना बंद हो हाँ गया। नुकसान नहीं होगा बंदों का, जो बंदे वहाँ पर हैं वो एग्ज़िट हो सकते हैं, जी जैसे जैसे उनका लेकिन कोरोना का क्वारंटाइन का टाइम पूरा होगा वो लोग वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन जैसे कि दुबई में बंदे वहाँ पर पहुँचने के बाद फंस गए और उनका काफ़ी नुकसान हो गया, बहुत सारे बंदे वापस आ चुके हैं और कुछ बंदे जिनकी वीज़ा एक्सपायर नहीं हुई अभी भी इंतज़ार में है कि शायद जो है खुल जाए जाने का रास्ता दुबई से भाई सऊदी देखो अरब। ये इस काम के लिए तो रिस्क, आप अगर कहीं वाया होकर जा रहे हैं तो रिस्क लेना है, रिस्क है आपका ये रिस्क है, और इसमें जो है आपको कोई आदमी का किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते कि साहब हमें किसी यूट्यूबर ने या किसी ने हमें सजेशन दिया या किसी ने हमें राय दी, अगर आप जाना चाहें तो आपने अपने रिस्क पे कहीं भी जा अपने रिस्क सकते पे जाना हैं, होगा। और और जहाँ वो आपका तक नसीब है।
और जहाँ तक एजेंट्स की बात है तो जो हमारा बंदा भाई ओमान गया है, हम उसकी भी डिटेल शेयर नहीं करते, उसकी डिटेल हम शेयर नहीं कर रहे हैं ना, उसका हम नाम ले रहे हैं कि आप किस बंदे से जाएंगे, क्योंकि जरूरी नहीं कि वो बंदा आपके साथ भी ऐसा ही ट्रीट करे जैसा हमारे साथ किया है। हो सकता है कि आपके अगर नुकसान हो जाए हमारी वजह से, तो हम उसका कारण नहीं बनना चाहते। तो अभी आप जो नए बंदे नई वीजाओं पर जाने के इंतजार में है, मतलब फ्रेशर जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे में कोई नॉलेज तो नहीं है, लेकिन सुनने में जैसा आया है, सिर्फ सुनने में आया है, कोई चीज़ कोई सऊदी गवर्नमेंट का गज़ट या कोई हमने नहीं पढ़ा है, ना हमें उसके बारे में मालूम आते, लेकिन सुनने में आया है कि मार्च के महीने से जो है मुंबई में वीज़ा स्टाम्पिंग का काम शुरू हो गया है, और जो नए बंदे जा रहे हैं वो नए बंदे भी वाया होकर के ही जा रहे हैं। नहीं, जैसे कि अभी कोरोना का माहौल है, तो वाया होकर के अगर जाए और मुंबई में ही सुनने में आया है कि वीज़ा स्टाम्प हो रही है, तो इस स्थिति में जाना ठीक होगा जैसा कि अभी माहौल चारों तरफ खराब है? और अगर ये है किसी बंदे की वीज़ा स्टाम्प हो गई है, उसने अपनी वीज़ा स्टाम्प करा ली है, तब उसके लिए मजबूरी है कि उस वीज़ा के जो लिमिटेड पीरियड होता है 90 डेज़ का, उसमें उसको पहुंचना ही होता है, इसलिए वो तो इंतज़ार ना करे, वो तो वाया हो करके जब उसने वीज़ा ख़रीदने में और वीज़ा में स्टाम्पिंग में जो पैसा लगा दिया है, अगर वो नहीं जाएगा तो वो उसका पैसा ख़राब हो जाएगा, बेकार जाएगा। अच्छा, पिछले महीने से मार्च के महीने में जो 14 तारीख को नए कानून बने हैं जी, तो वो अभी पूरी तरह से अमल में नहीं आया, यानी जो ऑप्शन के अंदर अपडेट आनी चाहिए थी, अभी भी कोई ग्राउंड पे कोई कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला, बस गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया, यानी न्यूज़ में अखबारों में तो खबर आ गई है, ग्राउंड लेवल पर देखने को भी कुछ नहीं मिल रहा है। नहीं, ग्राउंड लेवल पर भी मिलेगा, क्योंकि कानून है और वो धीरे धीरे अमल में आएगा, उसके लिए गाइडलाइंस और ये सब बनानी पड़ती हैं, वो धीरे धीरे बनाई जा रही हैं, और कुछ लोगों का सुनने में आया, मेरे पीछे में सऊदी में था, कि वो लोग अपना कफाला अपना एग्रीमेंट करा रहे हैं, तो कराएंगे वो लोग और वो ये आ जाएगा। तो ये किस हद तक जो अजनबी वर्कर काम कर रहे हैं खारजी सऊदी में, किस हद तक उनके लिए फ़ायदेमंद है? नहीं, किस हद तक तो हम लोग नहीं कह सकते कि किस हद तक फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें फ़ायदा दोनों का ही है और नुकसान भी है। मसलन आप सपोज़ करिए कि आपने अपनी तरफ से फाइनल एग्जिट लगवा लिया और आपका टाइम 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल का आपका एग्रीमेंट था, तो आप लाइफ टाइम के लिए बैन हो गए, आप सऊदी नहीं जा सकते, फिर सऊदी नहीं जा सकते तो आपका नुकसान हो गया। तो इसी तरह से आपने छुट्टी लगवा ली और छुट्टी में नहीं जा सके, आप बैन हो गए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आपने एग्जिट रेंटी के लिए अप्लाई किया तो फिर भी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाती है और ऑब्जेक्शन डालने का 7 दिनों का टाइम है। हाँ, 7 का या 10 दिन का कुछ इस तरह टाइम है, मैंने भी पढ़ा है, लेकिन वो 10 दिन में अगर वो ऑब्जेक्शन डालती है तो आपका वो रेंटी वीज़ा नहीं लगेगी। अगर कंपनी ऑब्जेक्शन करती है, इस तरीके से पहले अफवाह उड़ रही थी कि पूरी तरह से नहीं ऐसा नहीं, नहीं 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 ऐसा और नहीं, खुद के कफील बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मतलब ये है कि बस वो कफील से आप जो एग्रीमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, लिमिटेड बेनिफिट मिले हैं, लिमिटेड वर्करों को, बस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खुद के कफील बन जी 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 अभी भी गवर्नमेंट के और सऊदी के अंडर में ही है, थोड़े से बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गए हैं, थोड़े से बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल गए हैं, लेकिन नुकसान भी है, नुकसान है। जो बंदा एक बार वहाँ से आ गया और उसको मजबूरी में, अभी तो सपोज़ कीजिए जो पहले एग्रीमेंट पर जो लोग काम कर रहे हैं, छुट्टी आ गया, वो छुट्टी आने के बाद में नहीं जा सका कि भाई दिवे किसी प्रॉब्लम में फंस गया, फ्लाइट कैंसिल हो गई, छुट्टी ख़त्म हो गई, बीमार हो गया, कुछ और 100 मसले होते हैं, लेकिन अगर वो नहीं जा सका तो वो 3 साल के लिए बैन है, और इसमें तो लाइफ टाइम के लिए बैन हो गया। बस उमरा या हज करने जा सकते हैं, उमरा हज का मैटर दूसरा है, क्योंकि उमरा हज से इसका वर्क वीज़ा आपकी बैन हो गई, तो ये बहुत बड़ा नुकसान है, और बहुत से लोग ये इस नाकानी करते हैं, ये करेंगे, हो सकता है जिन लोगों को मालूम नहीं हुआ कर बैठे हैं ऐसा, तो मेरी राय है कि इसमें आप अपना ध्यान रखें और कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने के बाद ही छुट्टी या एग्जिट लगवाएं। अच्छा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया उसके बाद आप छुट्टी या एग्जिट वो लगवाते हैं, एग्जिट लगाते हैं अपने आप से, तो आप कॉन्ट्रैक्ट के बाद में ही लगाएं, नया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले, अगर नया कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले आपने लगवा लिया और आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा है तो आप बैन नहीं होंगे, अदरवाइज आप बैन हो गए तो आप लाइफ टाइम के लिए सऊदी नहीं जा सकते प्रोफेशन वीज़ा पे किसी भी। तो मकतब अमल किस तरह से काम करता है? आपने बहुत सारी चीज़ें अपने आसपास देखी हुई, क्योंकि बहुत लंबा टाइम आपने सऊदी अरब के अंदर गुजार दिया है, हालांकि कुछ दिनों के लिए कतर गए, वो आपका छोटा सा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी आपको सऊदी का माहौल ही याद आया, दोबारा आपने फिर से कोशिश की कि मैं सऊदी ही जाता हूँ, और फिर वहीं जाकर आपको सक्सेस मिली और अल्हम्दुलिल्लाह सही है, सब कुछ ठीक है आपका। तो जैसे कि अच्छे लोग हैं बुरे लोग भी, सभी तरह के सभी जगह लोग देखने को मिलेंगे,
सऊदी गवर्नमेंट का क्या रवैया है, जैसे कि परेशानी में जो बंदे फंसे होते जो हैं, बंदे परेशानी में फंसे होते हैं और वो मकतब अमल का सहारा लेते हैं, तो मकतब अमल का काम बिल्कुल ठीक ठाक है और उन बंदों को जो है पूरा पूरा न्याय मिलता बस है। बस टाइम लग जाता बस है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है वो, इसलिए तो क्योंकि वो कफ़ील को नोटिस भेजते हैं, कफ़ील वहाँ पर नहीं आता है, कफ़ील कहीं बाहर होता है, इस करके जो है थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन बंदों के साथ इंसाफ ना हो। मतलब बहुत से बंदे ये बोलेंगे कि आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, नहीं कोई नहीं नहीं ऐसा सुनवाई ऐसा नहीं, होती ऐसा है। नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बंदों का ताल्लुकात से जो है, कई सारे बंदे ने हमें बताया कि मैं मकतब अमल में गया, मकतब अमल वाले ने मेरे को घर भेज दिया। कैसे कैसे घर भेज दिया, अगर सुनवाई नहीं हुई तो घर कैसे भेज दिया? जी, तो यानी कोई अगर परेशानी में है तो हिम्मत करके हाँ बस आगे वही बढ़ना होगा, हिम्मत कभी करनी पड़ेगी आपको। आपको किसी की अफवाह में नहीं जाना है, किसी के बात में नहीं आना है, आप डायरेक्ट मकतब अमल में जाइए, वहाँ आपको ट्रांसलेटर भी मिलेगा और जो है आपकी सुनवाई होगी और इंशाल्लाह वहाँ आपको। और भैया आपकी आखिरी इच्छा क्या होती है वहाँ सऊदी में रहने के बाद? अगर आदमी बंदा परेशान है, कोई बात है, वो कहता है भाई मुझे घर भेज दो, घर भेजना है। जी, तो मकतब अमल जो है उसके उसको घर भेज देता है। और मकतब अमल के जरिए केस लड़के अगर बंदा घर आता है तो एक तरीके से वो लीगली होता लीगली है। हो गया, वो सेफ है, वो जा जी, सकता है। तो तकरीबन हमने जो सवाल अपने पेपर के अंदर लिखे थे वो आज हो चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह ये जैसे कि मैंने आपको बताया, खास मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम किसी और शख्सियत को आपके सामने लेकर आएंगे। हो सकता है कि लाइव जिस तरह से बात हो रही है ये मौका ना मिले, ऑनलाइन किसी तरह की वीडियो कॉल के जरिए बात करनी पड़े, लेकिन इंशाल्लाह आपके सामने और भी दूसरी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अब्दुल अजीज़ का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप भी ख़ास मुलाकात प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं और अपना एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाई जा रही ईमेल guestonjlh@gmail.com पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए शर्त यह है कि सऊदी अरब में रहते हुए आपको 5 साल बीत गए हो, यानी 5 साल का सऊदी अरब का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपके पास 5 साल का सऊदी अरब का एक्सपीरियंस है तो हमारे द्वारा दिखाए गए ईमेल पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।